पोर्ट्स हो, हो सकता है इंस्टिट स्पोर्ट्स काफी ज्यादा क्लोज है

स्काउट के वन वी फोर का सिचुएशन टोटल स्काउट के लिए होता हुआ बट स्काउट टाउन होते हुए इंस्टिंग स्पोर्ट के मेंबर के द्वारा पूरी तरीके से फेडेज भी किए जाएंगे बाकी मेंबर्स uh, जो हैं, वो नीचे राउंड करते हुए बद्रेव को अभी भी तीन मेंबर ऊपर के साइड पे, के तीन मेंबर नीचे, स्काउट को खो दिया काफी था, अच्छा खासा था थोड़ा सा गलती भी ओएस निंजा, निंजा थोड़ा सा और आगे जाएंगे एक अच्छा खासा आई गेस फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहे हैं निंजा और शायद पीछे से घेर सकते हैं उनको जो की एक अच्छी स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है सोनामन अमन डाउन करते हुए 8 -bit 7 को पूरी तरीके से फिनिश भी किया गया फैटिक निंजा अभी भी यहाँ पे बट इंस्टिंग के चार के चार मेंबर एक बार फिर से जिंदा होते हुए उनके जो मेंबर्स एलिमिनेट डाउन हुए थे उनको रिवाइव कर दिया गया सोल सोलवाइपर डाउन हुआ एंड आइंडी वर्सेज सोल होता हुआ सोल सांगवान सांग पूरी तरीके से सैंडविच हो चुकी है तो लोग डाउन करते हुए सोल सांगवान को बाकी सोल सोलवाइपर डाउन हुए और इसी के साथ सोल को पूरी तरीके से एलिमिनेट होती सांगवान को एलिमिनेट किया गया वाइपर को भी एलिमिनेट किया ओके अमन अभी भी बचे हुए मॉटल भी बचे हुए एलिमिनेट नहीं हुई है दो उनके डाउन थे उनको किया गया निंजा एक बार फिर से दूसरे सर से रोटेट करते हुए पीछे ही है एक प्रॉपर फाइट देखने को मिलती हुई थ्री वी फोर का सिचुएशन के पास टीयर को बट निंजा डाउन हुए मशीन के द्वारा स्पीड डाउन हो गए अकेले बचे हुए अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर है स्मोक करने की जरूरत है फ़नाटिक को डाउन थे पूरी तरीके से उनको फिनिश किया मशीन ने इंस्टिंग ई स्पोर्ट एक बहुत ही ज्यादा रश के प्ले दिखाते हुए घातक डाउन करते हुए टेड को काफी आई गेस नीचे से रोटेट करेंगे और अभी क्लियर निंजार नेड आया और इसी के साथ एश फिनिश फनाटे की स्कॉड इसी के साथ एलिमिनेट होती है एश आश... इज इंस्टिंक्ट अभी भी चलता हुआ एक नेड फटा है टीएसएम के एक मेंबर पे देखते हैं पे आई गेस नियो पे फटा है वो नेट बाकी क्रचगोड काफी ज्यादा क्लोज है एक बार फिर से टीएसएम एम से इंस्टिंग बाकी अभी के लिए क्लच गॉड दूर है न्यू से उनको रिवाइव करने की जरूरत है वो ऊपर साइड फस गए बट यस इंस्टेंट इंडीज कोट का एक बंदा अंदर के साइड पे गया घातक दूसरे साइड से कवर कर रहे हैं एक और अगर किया जाएगा तो फिर इजिली आउट होते हुए दिख जाएंगे टियर और मशीन दूसरे साइड पे क्लच गॉड अभी के लिए ऊपर रश करते हुए बट नहीं न्यू डाउन होते हुए ओके एक मेंबर का दो मेंबर को ले गया क्लच गॉड भी डाउन होते हुए काफी ज्यादा प्यारा गेम प्ले देखने को मिलता हुआ वो बंदा आई गेस uh, उस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्लच गॉट ने भी ध्यान नहीं दिया और बाकी जो मेंबर वहाँ पे नॉकडाउन था वो पूरी तरीके से फिनिश भी हो गए एक नेट किया गया है गॉट के द्वारा शायद ये नेट कनेक्ट भी हो सकता है यस बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यारा नेट कनेक्ट भी हुआ है मशीन नीचे के साइड पर रिवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है टी के अभी के लिए दो मेंबर्स जिंदा है पिछले मैच में काफी अच्छा खासा गेम प्ले दिखाई दिया था बट मशीन काफी ज्यादा अच्छा एंगल होल्ड करके वो बैठे थे अभी के लिए घातक अकेले बचे हैं गॉड को पूरी तरह से फिनिश किया गया और टीएसएम एंटिटी घातक अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं का। काफी ज्यादा स्कॉटेड है बहुत ज्यादा प्यारा स्प्रे आता हुआ बैरल का डैमेज बहुत ज्यादा दिया मशीन ऊपर आएंगे घातक डाउन होंगे एचपी काफी ज्यादा कम थी टीम एंटिटी स्क्वाड भी इंस्टिंग स्पोर्ट्स के द्वारा एलिमिनेट होते हुए

काफी ज्यादा प्यारा स्प्रे आता हुआ आई स्लेयर का एक मेंबर को नॉकआउट किया बट अकेले फंस गए यहाँ पे और शायद एक एम पे स्विच करेंगे हील करेंगे अपने आपको वो जो बंदा नॉकआउट था उनको काफी ज़्यादा डैमेज दे दिया गया एविल आई उनको रिवाइव करेंगे टीयर की बात करें वो भी दूसरे साइड पर वन वी थ्री का सिचुएशन है स्लेयर के लिए देखते हैं कैसे हैंडल कर सकते हैं मे वी क्लच कर जाए अपनी टीम के लिए बाकी जो आई के मेंबर्स हैं वो पीछे साइड से रोटेट कर रहे हैं अभी के लिए रिवाइव कर दिया गया है मशीन दूसरे साइड एवल आई दूसरे साइड से रोटेट कर रहे हैं मशीन सबसे पहले नॉकडाउन थे उनको फिनिश कर दिया गया है बाकी हीलिंग्स लगा दी है आईएनडी के मेंबर्स दूसरे सर से रोटेट करते हुए टीयर को नॉकआउट किया है और आईएनडी स्क्वाड एक बार फिर से रश गेम प्ले दिखाती हुई नजर आ सकती है स्लेयर को यहाँ पे स्पॉट किया गया एक नेट किया है काफ़ी ज़्यादा क्लोज में बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया वो वाला नेट अभी के लिए ये दूसरा जोन है एक मिनट में तीसरा जोन स्टार्ट होगा के, के से रश करते हुए फिनिश हो जाएंगे वन वी टू का, का सिचुएशन यहाँ पे होता हुआ एवलाय सामने के साइड को भी नॉकआउट किया जाएगा बट नहीं नॉकआउट तो नहीं कर पाए बट जरूर नॉकआउट हो गए ट्रांस भी नॉक आउट हो गए अभी के लिए टू वी टू का प्रॉपर फाइट यहाँ पे देने को मिलने वाला है बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन है टीम के लिए बट आए पीछे से नॉकडाउन होते हुए स्नैक्स काफी ज्यादा प्यारा रोटेट करके डाउन किया है बाकी जो मेंबर नॉकडाउट है ओके क्रैतोस को भी नॉकडाउन किया गया वन वी वन का सिचुएशन होता हुआ क्या प्यारा गेम प्ले दिखा रहे हैं यहाँ पे और अभी के लिए आई के तीन मेंबर डाउन है स्नैक्स जिंदा है और दूसरे सर से मेंबर रोटेट करके आ रहा है मे बी ओके ये गलत सिचुएशन हो सकता है जल्दी से पत्थर के पीछे जाना पड़ेगा प्लेयर को पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे स्नैक्स की बात करें अभी भी जिंदा है वन वी वन का सिचुएशन है स्नैक्स को स्पॉट किया स्नैक्स को डाउन कर सकते हैं डाउन भी कर दिया वन वी थ्री का सिचुएशन था और इंस्टिंग इंस्टिंट ई स्पोर्ट्स क्या प्यारा गेम प्ले दिखाते हुए चार किल अपने नाम किया और टीम आई पूरी तरीके से एलिमिनेट होते हुए क्या बेहतरीन गेम प्ले दिखाया है

और फेंकने की कोशिश की जाएगी टीयर की बात करें तो यह स्टैंडर्ड नाक टाउन होते हुए अर्जुन के द्वारा और इंस्ट्रिट टी स्पोर्ट्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है टीयर के द्वारा पीछे हैं बाकी इंस्टिंक्ट के दो मेम्बर यहाँ पे इनके पास गन है तो सही वैसे शनौक में लूट की कमी होती नहीं है तो आराम से लूट वगैरह मिल जाएगा और हेलमेट बेस की बात करें तो इनके पास हेलमेट बेस नहीं है सोलमन डाउन होते हुए एस जी सरवी के दौरान अकेले होते थे सिरवी काफ़ी ज़्यादा दूर उतरे थे अपनी टीम से बट फिर भी एक मेंबर को डाउन किया और पूरी तरीके से फिनिश भी किया आई गेस अमन वहाँ पे अकेले फंस गए थे बाकी के सोल मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए सामान और मॉटल रेगल्टोस काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गए वो वहाँ पे अकेले थे अमन पकड़े गए और पूरी तरीके से डाउन और फिनिश दोनों हो गए सहदेव सामने के साइड पर और काफी थोड़े बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे सहदेव पे काफी ज्यादा डैमेज उनको दे दिया लगभग एचपी उनके खत्म की तो डैमेज हो चुका है दोनों गन इनके पास एम सिक्सटीन की है कोई भी गन ऑटो की नहीं है सामने यूएम पी पड़ी हुई है उठाने की कोशिश करेंगे बाकी जो एक मेंबर डाउन था उनको बचाया नहीं जा सकता आई गेस थंडर जो डाउन थे उनको बचाया नहीं जा सकता बट अभी के लिए बाकी सारे मेंबर्स की बात करें तो यस भीम और युदिस्टिर दूसरे साइड से रोटेट कर तो रहे वैसे कबूतर दिखता तो नहीं है ना दूसरों को यस कबूतर नहीं दिखता बट थंडर ओपी अभी भी नॉकडाउन पड़े हु उनको फिनिश करने की कोशिश की जाएगी युद्धिस्टर के द्वारा ताकि कॉल्स वगैरह कम से कम अभी के लिए तो ना दे सकें पीएच की स्क्वाड आजकल काफ़ी ज़्यादा प्यारा गेम प्ले दिखा रही है और गन फाइट्स में तो क्या ही जवाब बहुत ज़्यादा लाजवाब प्रदर्शन रहा है अभी के इनके मैचेस में बट टीयर भी डाउन होते हुए भी दो मेरे सभी बच्चे हुए इंस्टेंट इंस्टेंटली स्पोर्ट्स के मुझे एक और स्कोर दिखाई दे रही है पीछे के साइड पे टियर को पूरी तरीके से फिनिश किया गया ये ओआर मा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं पीछे के साइड पे काफी पे मे भी यहाँ पे रश हो सकता है पोजिशन उनकी पता है सहदेव को क्योंकि उन्होंने शॉट लिया था थोड़े बहुत उनपे बट अभी के लिए यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं एकेम में साथ में एम भी है बाकी सारे मेंबर्स रोटेट कर गए टू वी फोर का सिचुएशन होता हुआ इनके लिए एक हेलमेट मिला है थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे बट इंस्टिंग के दो मेंबर्स डाउन और फिनिश हो चुके हैं बट दो मेंबर्स अभी भी बचे हुए हैं वैसे नहीं है इनके पास पीछे से अगर की स्क्वाड आती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इनको But अभी भी दूसरे साइड से, से होते होते काफी ज्यादा शॉट पड़ने के चांसेस तो है कि थर्ड पार्टी करना चाहेंगे बट पी का एक भी मेंबर डाउन नहीं है यहाँ पे अगर एक भी मेबर डाउन होते बिल्कुल तो सहदेव को डाउन किया वोट अर्जुन को भी डाउन किया दो को डाउन किया क्या मार को भी डाउन कर दिया युद्ध के तीन को फिनिश कर जाएंगे ये एक एम कुछ अलग ही लेवल का चलाया है भाई ने बहुत